बार बेटी की शादी हो जाए तो बेटी से कहा जाता है कि देखो बेटी, अब तुम्हारी डोली यहाँ से उठी है और ससुराल से तुम्हारी अर्थी ही उठनी चाहिए। आपने ये डायलॉग फिल्मों में भी देखा होगा, हो सकता है बहुत से लोगों ने रियल जिंदगी में भी ये डायलॉग सुना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक पिता ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है जिसे देख कर शायद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तर्रार में। झारखंड से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यहाँ पर एक पिता ने सभी बेटियों के लिए और सभी पिताओं के लिए एक मिसाल सेट कर दी। दरअसल उनकी बेटी के साथ ससुराल में जो है कथित तौर पर प्रताड़ना की जा रही थी और इससे तंग आकर पिता ने अपनी बेटी को जो है वापस बुला लिया। लेकिन उन्होंने नॉर्मल ढंग से अपनी बेटी को वापस नहीं बुलाया, बल्कि पूरे बैंड बाजे गाजे बाजे के साथ अपनी बेटी को वापस अपने घर यानी कि उसके मायके लेकर आए। जिसने भी ये वीडियो देखा हर व्यक्ति हैरान रह गया और जानकारी ये भी निकल कर सामने आ रही कि खुद पिता ने ही ये वीडियो शेयर किया है। सबसे पहले आप एक बार इस वीडियो पर एक नज़र डालें। देखिए, आपको जानकारी दे दें कि इस लड़की का नाम साक्षी गुप्ता बताया जा रहा है। अप्रैल 2022 में इसकी शादी सचिन कुमार नाम के लड़के से होती है। बताया जा रहा है कि सचिन झारखंड में ही बिजली विभाग में काम करता है। शादी के कुछ समय बाद से ही ये खबरें सामने आने लग गई, यानी कि पिता को ये खबर मिलने लग गई कि उनकी बेटी वहाँ पर कथित तौर पर परेशान रहती है। इसके बाद बेटी ने भी ये सारी चीज़ें पिता को बताई और पिता ने, जो आम पिताओं का इस पर रुख होता है कि कोई बात नहीं तुम एडजस्ट कर लो, शादी के बाद थोड़ा बहुत चलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। पिता ने साफ तौर पर कहा कि अगर बेटी परेशान है तो जिस तरह से उन्होंने बेटी की विदाई की थी, धूमधाम से उसकी शादी की थी, उसी धूमधाम के साथ गाजे बाजे के साथ वो अपनी बेटी को अपने घर वापस लेकर आए। उन्होंने बाकी लोगों के लिए भी यही मैसेज दिया कि अगर आपकी बेटी ससुराल में परेशान है तो आप लोगों को उसे वापस लाने में संकोच बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस सब को लेकर साक्षी गुप्ता ने भी एक वीडियो जारी किया जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल था। उसने यही कहा कि लोग जो है तलाकशुदा लड़कियों को, खासकर लड़कियों को, अच्छी नज़र से नहीं देखते, लेकिन जिस प्रकार से उसे लोगों की सहानुभूति मिल रही है, उसके पिता का साथ मिला, वो यहाँ पर उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसने एक वीडियो भी शेयर किया है, आप इस वीडियो में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो भी सुने। जो भी मेरे झारखंड वासी या जितने लोग भी हैं, मेरे फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, सबने तहे दिल से मेरा स्वागत किया है और मुझे बहुत बहुत खुशी है, बहुत खुशी है कि मुझे इतना प्यार, इतना सब कुछ रिस्पेक्ट मिल रहा है वहाँ से आने के बाद। बीते कल में मेरे साथ जो भी हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, मैं अब उसे याद नहीं करना चाहती हूँ। हमारे कोर्ट में समझौता हो चुकी है और मेरे माता पिता मुझे घर ले आए हैं और मुझे ऐसे गाजे बाजे के साथ लेकर आया गया है, तो मुझे बहुत बहुत खुशी मिल रहा है। क्योंकि क्या आपने आज से पहले ऐसा कोई नज़ारा देखा था या फिर नहीं, मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और क्या लगता है इस पिता ने जो कदम उठाया, क्योंकि खबरें ये सामने आ रही थी कि जो इनका दामाद है वो पहले से शादीशुदा है और ये बात साक्षी को नागवार गुजरी। और ये बात भी बताई जा रही है कि शादी से पहले ये सब कुछ नहीं बताया गया था कि जो उनका पति है साक्षी गुप्ता का, सचिन कुमार, वो पहले से शादीशुदा है, धोखाधड़ी करके ये शादी की गई। तो आप लोगों के इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, आप लोग कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप लोग देखते रहिए तेज तर्रार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।